क्या मोदी जी तेली समाज से हैं? अगर अपने मुंह से कह दे तो हम मान लें कि उसमें तो चुनाव कराने की इनका प्लान चल रहा है। सिर्फ सिगुफा है, सिगुफा। रही बात दुर्गादास की, तो दुर्गादास छत्री हैं, इतिहास में दर्ज है, लोगों को पढ़ लिख लेना चाहिए। तेलिक्स महासंघ है जिस तरीके से, जो अभी आप एक सांसद बने हैं तो बड़ी उम्मीदें हैं, क्या और भी राकेश राठौर जैसे सांसद पूरे देश में तैयार करेंगे? मैं हूं काले भैया पार, मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूं। तेलिक्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और सीतापुर लोकसभा से सांसद राकेश राठौर आपकी जनता दल के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको नहीं लगता जिस तरीके से मोदी सरकार जो जातिगत जनगणना है वो अहम मुद्दा है, उसमें ओबीसी की वो तमाम पिछड़ी जातियां आती हैं जिनको अधिकार है चुनाव लड़ने का और राजनीति में हिस्सेदारी करने का, ये मोदी सरकार आखिर जातिगत जनगणना से क्यों? धर्म का ध्रुवीकरण किया है, धार्मिक ध्रुवीकरण किया है इस देश के अंदर। जो कमज़ोर तबका, जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जात के लोग, अल्पसंख्यक समझाए, इनके बीच जो है उन्होंने धर्म का ध्रुवीकरण कराया है और लोगों में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उससे लोगों का दिमाग हटाने का कार्य बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं। तमाम तरीके के झूठे वादे, झूठी चीज़ें, और इतने दिनों में देश की जो आर्थिक स्थिति हुई है और जो देश का नौजवान बेरोजगार हुआ है, तमाम तरीके की दिक्कतों से जूझ रहा, किसान आत्महत्या कर रहा, व्यापारी त्राहिमान है, ये इन मुद्दों से लोगों का दिमाग हटा के धार्मिक मुद्दों में लोगों को उलझाने का काम करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। इनका नारा था 400 पार और इनकी सारी हवा निकल गई। थोड़ा सा हम लोगों का दुर्भाग्य कि गठबंधन के फैसले थोड़े लेट हुए, नहीं इसी बार ये केंद्र से गायब थे। कोई बात नहीं, अभी 2 साल बाद 2027 है, उत्तर प्रदेश में इनके ताबूत में कील ठुकने जा रही, ये उत्तर प्रदेश की इनकी कील, इनके ताबूत की आखिरी कील होगी। केंद्र से भी बेदखल होंगे, उत्तर प्रदेश से भी 27 में ये बेदखल होने जा रहे हैं जी। एक बड़ा सवाल ये भी करना चाहेंगे, अभी हाल ही में आया है कि ये एक ही उसमें चुनाव कराने की इनका प्लान चल रहा है। सिर्फ सिगुफा है, सिगुफा जी। सिर्फ सिगुफा है। एक चुनाव इस देश के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए तमाम आयामों पे अलग अलग चुनाव है, पंच का चुनाव है, प्रधान का चुनाव, बीडीसी का चुनाव है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, सभासद का चुनाव है, चेयरमैनी का चुनाव है, बहुत से चुनाव है, विधायकी का, सांसदी का, जिला पंचायत, बहुत से चुनाव हैं। इन्होंने कौन कौन से चुनाव साथ कराने हैं? सारे चुनाव अगर एक साथ करानी है तो क्या पंच से लेके सांसद तक का चुनाव ये एक साथ कराएंगे? ये कुल मिला के लोगों का दिमाग हटाना है, उनके जो वास्तविक मुद्दे हैं, वास्तविक बात है, उससे लोगों का दिमाग हटाना है। इसी तरीके के बार बार ये हथकंडे अपनाते रहते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन इनका सुगुफा है और कहीं कुछ नहीं है। तेली समाज, तेलिक समाज की बहुत उम्मीदें हैं आपसे, बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं आपके पास आए आज, तो किस तरीके से उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे? क्या राजनीतिक रूप से इनको मजबूत कर पाएंगे आप? मेरा जीवन, मैं राजनीति में हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि मेरी जाति बहुत कमज़ोर थी और राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रही, राजनीतिक कोई पहचान नहीं थी, इसीलिए राजनीति में हूँ। और हमको लग रहा कि अब वो दिन दूर नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारी तेली जात को भी सम्मान मिलेगा और जो राजनीतिक भागीदारी की इसको बहुत दिन से सपना था वो जल्द पूरा होगा। एक ऐसा कहना कई बार हमने सुना है कि राठौर समाज के लोग, जो तो आपके समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जो है आपकी समाज से है, आप क्या मानते हैं, सही है क्या? देखें, राजनीति करने वालों की जाति नहीं होती जी। पूरा समाज होता है, हम लोग जाति से जमात की ओर काम करते हैं, हम लोगों की कोई जाति नहीं है। लेकिन जो लोग जात का बखान करते हैं ये उनके लिए बड़ा प्रश्न है और शर्म की बात है। ये बात मैं नहीं कहता, मोदी ने बार बार अपनी जात का बखान किया है, जात के नाम पे मेरी माँ को गाली दी, जात के नाम पे मेरे साथ ये हुआ। हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है जब मोदी इतने दिन से जात ही जात चिल्ला रहे हैं तो एक बार खुल के कहें तो कि मैं फला जात का हूँ। झूठा तिलिस्म था जो टूट गया है और ये
भर भरा के गिरने जा रहा। जी मैं पहले के महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस हैसियत से उस उद्देश्य से ये सवाल मैंने पूछा है, क्या मोदी जी तेली समाज से हैं? अगर अपने मुंह से कह दें तो हम मान लें, अगर सच्चाई हो जरा सी तो अपने मुंह से एक बार कह के देख लें, ना फिर जात का प्रलाप करना बंद कर दें। ये तेलिक्स महासंघ है, जिस तरीके से जो अभी आप एक सांसद बने हैं तो बड़ी उम्मीदें हैं, क्या और भी राकेश राठौर जैसे सांसद पूरे देश में तैयार करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी जिला पंचायत का चुनाव है, लोगों का आह्वान करके गया हूँ, नौजवानों से कह के गया हूँ कि दिन रात मेहनत करें, लोगों के बीच में रहें, उनके सुख दुख में रहें, उनके दुखों का निराकरण करने के लिए संघर्ष करें और राजनीति में जरूर आएँ। बाबा साहब अम्बेडकर का कथन था कि आधी रोटी कम खाइए लेकिन शिक्षित जरूर करिए, हम अपनी बात उसके साथ जोड़ते हैं, उसमें से भी आधी रोटी कम कर दीजिए लेकिन राजनीति भी जरूर करिए। आप कैसे सफल हुए राजनीति में और सांसद तक का सफर जो आपका रहा किस तरीके से रहा? यह जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं वो हमको राजनीति कराते हैं और मैं बहुत सामान्य परिवेश का व्यक्ति हूँ, मेरे क्षेत्र के लोग ही मेरे उसको राजनीति कराते हैं, मेरा चुनाव लड़ते हैं, सब कुछ वही करते हैं, तो हमको लोग राजनीति में लाए हैं और उन्हीं के कारण मैं राजनीति में हूँ। एक सवाल और कर लेते हैं, जिस तरीके से राठौर समाज दुर्गा प्रसाद तो दुर्गादास छत्री हैं, इतिहास में दर्ज है, लोगों को पढ़ लिख लेना चाहिए और एक योद्धा के नाते हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने देश में लोगों की लड़ाई लड़ी, उन्हीं का नहीं बल्कि जितने लोगों ने हमलावरों आक्रांताओं के खिलाफ लड़ी लड़ी उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से और उनको जात के कभी दायरे में नहीं बांधते हैं। महापुरुष की योद्धाओं की कोई जात नहीं होती, समूची मानवता के लिए ये लोग लड़ते हैं, तो मैं तो नहीं मानता। एक बड़ा सवाल आ गया है, सीतापुर सांसद हैं, सीतापुर से राकेश राठौर जी ने बयान जारी कर दिया है कि हिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा है कि दुर्गादास जयंती जो मनाई जाती है वो राठौर समाज से है या तेली समाज से है। नहीं नहीं नहीं, आप सवाल बिगाड़ देंगे। जी मैंने कहा वो तेली नहीं है, छत्री समाज से हैं, ये इतिहास में दर्ज है, तेली नहीं दर्ज है। जी ठीक है, तो ये जो जयंती मनाते हैं गलत है? अब ये उनका अपना है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बैठे हुए लोग तो नहीं मनाते, कोई मनाते हैं? ये नहीं मनाते, अम्बेडकरवादी लोग हैं, आप देख रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर बात कर रहे थे, महापुरुषों की बात कर रहे थे, संविधान की प्रति दे रहे थे, जो दुर्गादास वाले लोग हैं। भामाशाह जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम महापुरुषों को जातियों में नहीं बांधते। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, देश की जनता आपको इस समय देख रही है, पूरे देश में इस संगठन को चलाने के लिए आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? इसी तरीके से लोग कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, कहीं जहां हम काम करते हैं बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, ये अपने आप में सब लोग जो है मजबूत सिपाही हैं और सब लोग तन मन धन से अपने प्राण के साथ इस अभियान में जुटे हैं। तो आज आपकी जन अदालत जिसके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े थे सीतापुर से सांसद राकेश राठौर, तमाम सवालों को लेकर हमने बात की है। जुड़ी रही है आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार।